अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल रियाज एंड ब्रदर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, ज़रात के मुतल्लिक तमाम किस्म की मशीनरी अगर कोई आपको दस्तयाब कर सकता है तो वो अल रियाज वाले ही हैं, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो आपको हल की वीडियो हम दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको मशीनरी जो ज़रात के मुतल्लिक है तकरीबन तमाम किस्म की, रोटावेटर, रैपर, कोई भी आप कहेंगे साइलेज की मशीन हम देख सकते हैं, और हर तरह की मशीनरी आपको यहाँ पर दस्तयाब है। इवन के स्प्रे के मुतल्लिक, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स भी हम आपको दस्तयाब करते हैं, और जो मशीन हमारी ख़ुद की बनी हुई होगी उसकी स्पेयर पार्ट की गारंटी भी हम आपको देंगे। अच्छा, ये आपको जो हल नज़र आ रहा है इसके अंदर हमें 11 कुड़ मिल रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो बनावट है, जो इसका ऊपर हमने फ्रेम लगाया हुआ है वो आपको अभी नज़र आ रहा है। स्प्रिंग टाइप ये कल्टिवेटर है, स्प्रिंग टाइप हल है ये। इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो हार्ड क्वालिटी के स्प्रिंग है, ये आप देख ही सकते हैं। इम्पोर्टेड वाले स्प्रिंग हम इसको कहते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अगर लो क्वालिटी का स्प्रिंग होगा ना तो आपका जो ट्रैक्टर उसके ऊपर लोड पड़ेगा, वाइब्रेशन आएगी, तो इनडायरेक्टली आपके डीजल का खर्चा बढ़ेगा और आपकी बचत भी कम होगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। और दूसरे नंबर पर हमें ये जो स्प्रिंग टाइप कल्टिवेटर है, ये जो स्प्रिंग हमने लगाए हुए हैं, और तीन स्प्रिंग हमने दिए हैं आपको, एक जो हमारे पास कूड़ है, जो एक हमारे पास फाला जो हल है इसके ऊपर हमने, ये जो निप्पल्स के फ्रंट के ऊपर आपको जो हमने स्प्रिंग दिए हैं वो तीन स्प्रिंग दिए हुए हैं। इससे क्या है कि इसकी ग्रिप बढ़ेगी, ज़मीन के ऊपर इसकी पकड़ ज़्यादा होगी, और ज़मीन आपकी चाहे किसी भी किस्म की है, पथरीली है, आपको शक है कि इसके अंदर कुछ जड़े वगैरह हैं, पिछली जो बाकियात होती हैं फसल की, वो सब चीज़ें ये उखाड़ के बाहर फेंकेगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपको आगे दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें जो इसकी लंबाई है इस हिसाब से वो हमें 97 इंच मिल रही है, ठीक है, और इसके अंदर जो कुड़ का जो एक विड्थ साइज़ है वो 20 इंच से लेकर इससे कुछ 20-21 का होगा, और इसके अंदर जो फ्रंट बैक का जो गैप है, ठीक है, दरमियान में, क्योंकि आपके पीछे भी एक कुड़ आ रहा है, तो इसका साइज़ 9 इंच तक है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और आपको दिखा देते हैं मज़ीद इसके बारे में कुछ चीज़ें। ये आप देख सकते हैं पीछे ऑप्शन दी हुई है गेम्स वागा वगैरह रखने के लिए, ये प्लेट लगी हुई है। अगर आपके चैनल ट्रैक्टर के लिंक वगैरह में कोई मसला है, उसकी एडजस्टमेंट सही नहीं है, तो आप इसके साथ उसकी एडजस्टमेंट भी बना सकते हैं। डबल पिने मिल जाती है हमें, ठीक है, और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो इसके अंदर पाइप लगा हुआ है ये भी अच्छी क्वालिटी का पाइप है। ये जो इसके ऊपर चैनल ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इसकी गेज वगैरह जो है, और 4 की इसकी प्लेट लगी हुई है। और आगे आपको बताते हैं कि इसकी अगर आप मज़ीद मालूम लेना चाहते हैं कीमत वगैरह के बारे में, और कीमत का भी हम आपको इस बात का गारंटी दे रहे हैं कि इस मयार के मुताबिक अगर आपको मार्केट में कोई भी बंदा हमारी कीमत के ऊपर अगर आपको ये चीज़ देगा तो उसकी हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और मज़ीद आप मालूम के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रबता ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।